शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। देश में बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर बुधवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया, साथ ही मोदी विरोधी नारे भी लगाए गए। इस समय कांग्रेस के कुणाल राउत प्रमुख रूप से उपस्थित थे। उन्होंने मांग पूरी न होने पर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया है। कांग्रेस पार्टी ने आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने आंदोलन किया। इस समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस समय कांग्रेस के कार्यकर्ता आक्रामक हो गए थे और मोदी सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद के नारे भी इस समय दिए गए। बढ़ते डीजल के दामों को लेकर आज जो है आंदोलन किया जा रहा है, ठिया आंदोलन भी इसे कहा जा सकता है। जिस तरह से आप देख पा रहे हो, क्या बताओगे कि यस मजबूत से आंदोलन क्या है, चालू है ये आंदोलन? सोशल डिस्टेंसिंग कुठे पाहिजे? सोशल डिस्टेंसिंग मॅडम, आम्ही तर डिस्टेंस मध्ये आम्ही तर आहोत नाही, असा विषय आहे ताई। हे बघा, हे सगळ्यात मोठा आम्ही सगळे मास्क वापरू आहो, सोशल डिस्टन्सिंग तो बिझनेस आहे। ए मागे मागे सर, मागे थोडा मागे। पेट्रोल डिझेलचे दर वाढले आहे, जे प्रति वर्ष प्रति दिवस जे दर वाढत आहे, त्याच्यासाठी आम्ही आज आंदोलन इथे करायला आले आहोत। आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने जे महंगाई वाढत आहे त्याचे प्रमुख कारण पेट्रोल डिझेलची वाढत आहे, तर आमची मागणी आहे की ते पेट्रोल डिझेलचे ज्यावेळेस क्रूड ऑइलचा किंमत कमी आहे त्यावेळेस पेट्रोल डिझेलचे वाढती किंमत कशाला, असे करोना महामारीच्या विषय म्हणे असे असे कठीण समय म्हणे असे पेट्रोल डिझेलचे वाढ कशासाठी आहे? आम्ही कोशिश करणार ज्यापर्यंत आम्ही इथे थांबणार, केंद्र मंत्री नितीनजी गडकरी आम्हाला भेटायला नाही येणार त्यापर्यंत आम्ही इथे थांबणार। नाही त्याला उचलू द्या ना, ते आता पोलिसाला समोरासमोर करत आहे, त्याला उचलू द्या। त्याच्यामुळे ते आम्ही इथे बसले होते, नाही तर आमचा सोशल डिस्टन्सचा कार्यक्रम होता मॅडम, आम्ही शांतीपूर्ण करत होता, परंतु पोलीस लोक आम्हाला उचलून जात आहे, अर्ध्या लोकांना ते उचलून पण घेऊन गेले, म्हणूनच आम्ही इथे असे बसून। सुरुवातीला आंदोलनाचं स्वरूप आहे सोशल डिस्टन्सिंग माध्यमातूनच केलं, पण पोलिसांनी काही कारण नसताना, आम्ही परमिशननी ते आंदोलन केलं पण काही कारण नसताना आम्हाला गाडीमध्ये ओढत नेत होते, त्यामुळे सगळ्यांनी एकमेकांना वाचवण्यासाठी हे जवळ आले। आम्ही सोशल डिस्टन्सिंगचं अजूनही पालन करूया आणि त्या पालन करूनच आम्ही आंदोलन यशस्वी करूया। जिस तरह से बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर यह आंदोलन किया गया है, जिसे आप ठिया आंदोलन का जो है स्वरूप आ गया है, आप देख पा रहे हो कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए कांग्रेसियों ने यह आंदोलन किया है। आंदोलन है आपका? प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने एक आश्वासन भारत की जनता को दिया था कि हम किसी भी हालत में पेट्रोल डीजल और घरगुती गैस की कीमतें बढ़ाएंगे नहीं, मगर उसके विपरीत आज स्थिति है, पेट्रोल डीजल के दर प्राइस बढ़ गए हैं। इसलिए हम मोदी सरकार को जताना चाह रहे कि आपने जो आश्वासन निवेदन पूर्व दिया था, आज पेट्रोल डीजल 100 रुपये के आसपास करीब चला गया, इसलिए कांग्रेस पार्टी जनता के इस प्रश्न को लेकर रास्ते पर उतरी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के सामने, गडकरी जी के घर के सामने आज हमने धरना आंदोलन करने का निर्णय लिया है। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया, साथ ही केंद्र की सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही कांग्रेस के कुणाल राउत ने रास्ते पर ही ठिया जमा कर नारेबाजी की और कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज जो है कांग्रेस की ओर से यहाँ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, क्या बताओगे? बड़ी तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जुटे हैं और ये उग्र तरह का आंदोलन कहा जा सकता है, शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है। माननीय मंत्री नितिन राउत जी के नेतृत्व में, कुणाल दादा जी के नेतृत्व में आज ये आंदोलन हुआ है। जिस तरीके से आज हमारे पूरे महाराष्ट्र में और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ चुके हैं, आज पेट्रोल डीजल के दाम
आज इन्होंने लॉकडाउन को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम कम करना था, मगर इन्होंने यहाँ उल्टा किया। कांग्रेस सरकार के टाइम जब पेट्रोल डीजल जो बहुत कम रेट में दिया जाता था, आज 3 गुना ज्यादा इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, इन्होंने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए। आज रोजमर्रा की जो जिंदगी है, एक आम आदमी जो अपनी जिंदगी जीता है, आम आदमी अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहा है। आज उनकी कमाई ऑटो रिक्शा ऐसे जो व्यापारी वर्ग के लोग है, जो काम काज हाथ ठेला चलाने वाले मजदूर है, आज इनको आज 100 रुपए रोज की आवक है, 100 रुपए रोज में आज वो अपना घर चलाएंगे, चूल्हा चलाएंगे, क्या पेट्रोल डालेंगे। आज उनको पेट्रोल इन्होंने जो कांग्रेस के टाइम पे पेट्रोल जितने दम कम दामों में मिला करता था, आज उन्होंने उससे 2 गुना 3 गुना दाम बढ़ा दिए। आज गरीब इंसान क्या करेगा, आज सुसाइड करने पे नौबत आ गई है, किसानों को देखो आत्महत्या कर रहे किसान। आज बीजेपी सरकार ने जीना हराम कर दिया। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज लोगों को कहा था 15-15 लाख खातों में डालेंगे, कम से कम वो टाइम नहीं डाला। आज ये जो लॉकडाउन चल रहा है, आज तो आप डाल दीजिए, कम से कम आपने जो झूठा वादा कहा था आज तो उस वादे को सच कर दीजिए। जो इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है, बड़े स्वरूप में आंदोलन हुआ है, तो क्या बताओगे मांग पूरी न होने पर आगे की रणनीति क्या रहेगी? नहीं, अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे तो आप ये जन सैलाब आप देख रहे हैं आज, ये तो एक छोटी सी टुकड़ी में है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होते तो नागपुर शहर का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का लोग, पूरे महाराष्ट्र की जनता रोड पे आएंगी और इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगी। आज अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे। आज जो आंदोलन किया जा रहा है ये तो पेट्रोल डीजल के लिए किया जा रहा है, ये मांग भी जायज है, लेकिन आज जिस तरह से आंदोलन हो रहा है ये जायज है कोविड-19 को देखते हुए, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह से धज्जियां उड़ चुकी है। सोशल डिस्टेंस का ऐसा है, सोशल डिस्टेंस के हिसाब से ही सब लोग खड़े थे, मगर पब्लिक है, आज पब्लिक की जो तकलीफ है ये तकलीफ सोशल डिस्टेंस को नजर रखते हुए वही प्रोग्राम वही आंदोलन चालू है, मगर जो सोशल डिस्टेंस को देखते हुए पब्लिक को जो तकलीफ है, आज ये जनसैलाब आप जो देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंस का पालन हर जगह हुआ है और यहाँ पे भी हो रहा है, मगर जो पब्लिक को तकलीफ है ये तकलीफ की वजह से आज लोग इतने करीब एक दूसरे के करीब दिख रहे हैं। आप जिस तरह से हमने अभी देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पालन किया जा रहा था, लेकिन अब जिस तरह से ये उग्र होते जा रहा है आंदोलन पेट्रोल डीजल की मांग को लेकर, अब ये जनसैलाब जो है बढ़ते जा रहा है, आंदोलनकारी बढ़ते जा रहे हैं और तीव्र स्वरूप से ये जो आंदोलन है हो चुका है। आए दिन बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के कारण सामान्य जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार है कि पेट्रोल डीजल के दामों को कम नहीं कर रही है, इसलिए सरकार के विरोध में यहाँ आंदोलन किया गया है। इस समय कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता संजय दुबे, इन्होंने कहा कि आंदोलन निरंतर चलते रहेगा जब तक मांग पूरी नहीं होती है। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज जो आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से, हम जानते हैं कि क्या मांग है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? आज जो ये मांग की जा रही है, बड़े तादाद में जो है आंदोलनकारी एकजुट हुए हैं, क्या बताओ? देखिए, हम लोग ये कांग्रेस पार्टी इस देश में हर समय गरीबों के साथ खड़ी हुई है। आज देश में पेट्रोल डीजल गैस केरोसिन इनके कीमतों में बहुत भारी पैमाने पे बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़ोतरी है ये इलेक्ट्रिक के लिए ये लोग चिल्ला रहे हैं। इलेक्ट्रिक की जो बात है, इलेक्ट्रिक का जो विषय है विद्युत बिल का, वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने का है, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस ये रोजमर्रा की चीज है और बगैर किसी कारण के बेतहाशा तरीके से ये केंद्र सरकार, ये बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार बेतहाशा तरीके से ये रेट जो है ये बढ़ाए जा रही है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर्वसामान्य आदमी के यहाँ पर रोजमर्रा की वस्तुएं ये डीजल पेट्रोल से संबंधित होती है, जब ट्रांसपोर्टेशन किसी फैक्ट्री से होगा, वाहतूक से आएगी, तो निश्चित उसमें बढ़ोतरी होगी। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की कीमत बहुत कम है, उस हिसाब से जब 2014 के पहले केंद्र में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी, उस समय में यही नेता जो आज केंद्र में सत्ता में और बड़े बड़े मंत्री पद के ओहदे पर बैठे, ये लोग रोड पे आकर और मनमोहन सिंह जी को चूड़ी और टिकली भेंट किया करते थे। मैं आपके माध्यम से आज वो केंद्रीय मंत्री उस समय में जो चूड़ी और टिकली मनमोहन सिंह जी को भेंट करने जा रही थी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा उनसे, स्मृति ईरानी जी से, उन्होंने वैसी ही चूड़ी और वैसी टिकली आज बढ़ती हुई महंगाई और बढ़ते हुए तेल डीजल और पेट्रोल और गैस की कीमतें बढ़ रही है उसके उपलक्ष्य में कम करने के लिए स्मृति ईरानी जी ने नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को अपनी चूड़ी और टिकली सार्वजनिक रूप से इस देश के आम नागरिकों के हित में भेंट करना चाहिए। आज मांग
पूरी न होने पर क्या रणनीति रहेगी? नहीं, ये मांग हमारी निरंतर चलते रहेगी और निरंतर हम लोग इसमें चुप बैठने वाले नहीं है। उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश के, इस राज्य के जनता के साथ उनके दुख तकलीफों में हरदम खड़े हैं। ये मांग और ये प्रदर्शन हम हर दिन करेंगे और जब तक इस देश के लोगों को, इस देश के आम नागरिकों को इस महंगाई से, इस डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से, इस रसोई गैस की कीमतों से और सर्व सामान्य लोगों को जो जीवनावश्यक वस्तु है इनसे जब तक कम नहीं होगी तब तक कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन करती रहेगी। संजय दुबे। आज इस बड़ी तादाद में आंदोलन किया जा रहा है बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर। पेट्रोल और डीजल हर इंसान की जरूरत है और उस समय उसकी बढ़ोतरी हो रही है जब पूरा देश कोरोना जैसी विषम परिस्थितियों में जूझ रहा है, लोगों को खाने का प्रॉब्लम है, दोनों के लोगों के धंधे बैठ गए, नौकरियां छूट रही है। उस टाइम पे लोगों को राहत देना तो दूर बल्कि उल्टा काम और ऐसे टाइम पे बढ़ाए जा रहे हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड सस्ता हो रहा है। ये कौन सी नीति है? जब जब क्रूड सस्ता होता है तो पब्लिक को उसका फायदा ना देकर एक्साइज बढ़ा के उसका फायदा गवर्नमेंट खा रही है और वो कहाँ जा रहा है पैसा, कौन से दिशा में गवर्नमेंट चल रही है वो समझ नहीं आ रहा है। लोगों को सिर्फ चूसने का, निचोड़ने का काम किया जा रहा है, गरीब मरता जा रहा है और इनके जो दोस्त है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट उनको मालामाल करने का ये पूरा कार्यक्रम चला जा रहा है जिसका विरोध सड़कों तक हमारी कांग्रेस पार्टी जनता के साथ रह के करेंगी। तो जिस तरह से हमने देखा कि ये आंदोलन है ये उग्र होते जा रहा है और बड़ी मात्रा में यहाँ तादाद में जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जुट गए हैं और जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक यहाँ आंदोलन निरंतर करने का इशारा भी संजय दुबे कांग्रेस की ओर से दे चुके हैं। कांग्रेस द्वारा बढ़े हुए पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर नितिन गडकरी के घर के सामने जो आंदोलन किया गया जिसका स्वरूप पहले तो शांत और नियम के अनुसार था, लेकिन धीरे धीरे यहाँ आंदोलन तीव्र होने लगा। ठिया आंदोलन, रास्ता आंदोलन, फिर महिला कार्यकर्ताओं ने चूड़ी आंदोलन किया। कोरोना के चलते शहर में सोशल डिस्टेंसिंग लगाया गया है लेकिन इस आंदोलन में कोविड 19 के सभी नियमों को ताक पर रख सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। गौरतलब है कि दो दिन पहले भाजपा महिला मोर्चा ने बिजली बिल में बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के घर के सामने आंदोलन किया था। आंदोलन के जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज केंद्र सरकार पर निशाना साधा और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने धरना दिया। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर जो है आंदोलन किया जा रहा था, पहले तो उसका स्वरूप छोटा था, काफी शांत स्वरूप से ये मोर्चा जो है, ये आंदोलन जो है ये चल रहा था, लेकिन आप देख पा रहे हो कि कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनटों में जो है ये आंदोलन उग्र तरीके का हो गया है। पहले तो यह आंदोलन शांत तरीके से चल रहा था जिसके बाद अब जो है यह आंदोलन जो है ठिया आंदोलन का स्वरूप उसने लिया और उसके बाद अब यह रास्ता रोको आंदोलन हो गया है, ऐसा भी हम यहाँ कह सकते हैं क्योंकि ये जो नरेंद्र नगर का पुलिया है इसके पुलिया के नीचे तक यह आंदोलन पहुँच गया है और पूरा रास्ता यहाँ रोक लिया था आंदोलनकारियों ने। और आप देख पा रहे हो कि एक शांत स्वरूप से होने वाला यह मोर्चा अब ये जो मोर्चा है या आंदोलन है ये उग्र होते जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि काफी तादाद में जो है आंदोलनकारी जुटते जा रहे हैं और पुलिस कर्मचारियों की भी बड़ी तादाद में यहाँ बुलाया गया है। आंदोलनकारियों की उग्रता को देख या उग्र आंदोलन होते देख पुलिस कर्मचारी या पुलिस का जो बंदोबस्त है ये तो तगड़ा कर दिया गया है। यातायात जो है आप देख पा रहे हो कि किस तरह से यहाँ पे किस हद कुछ हद तक जो है यहाँ पे यातायात को जो है अड़चना निर्माण हो गया था। आप देख पा रहे हो कि किस तरह से अभी यह आंदोलन जो है उग्र होते हमें दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBC News नागपुर।